हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश शामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, खुले चैनलों से प्रवाह के बारे में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के 202 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इससे पहले के इस लेक्चर्स में, ओपन चैनल फ्लो के लेक्चर में ही हमने डिस्चार्ज और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ चैनल को डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि जो आपकी प्रवाह की विशिष्ट ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में, मतलब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो। तो अभी तक हमने जितने भी केस डिस्कस किए थे उसकी डिस्चार्ज को भी कैलकुलेट किया था। तो एक यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि जो गहराई है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है या फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लेंथ के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस स्पेसिफिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, जिसमें जो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम से ये एक चैनल है और इसका स्लोप आई है। तो इसमें एक प्रवाह होता है जो कि विभिन्न डेप्थ के होते हैं। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, स्पेसिफिक एनर्जी को हम पर्टिकुलर एक सेक्शन को कंसीडर करते हैं और इस सेक्शन के ऊपर विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रवाह की कुल ऊर्जा की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्लो के लिए तीन प्रकार की एनर्जीज होती हैं। एक आपकी प्रेशर एनर्जी होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक डेटम एनर्जी। हम लिख सकते हैं P/ρg V2/2g+z। ये इसकी टोटल एनर्जी है किसी भी फ्लो की। तो यहाँ पर अगर हम P/ρg देखें तो ये इसकी जो डेप्थ के बराबर हो जाता है, क्योंकि P=ρgh हम पढ़ते हैं। किसी भी डेप्थ h पर जो प्रेशर होगा वो आपका P=ρgh से दिया जाता है। तो यहाँ से h P/ρg की वैल्यू को हम h लिख सकते हैं। तो कुल ऊर्जा को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, h डेप्थ ऑफ फ्लो, V2/2g जो वेग शीर्ष है वो, और z आपका डेटम शीर्ष है वो। और ये तो बात हुई कुल ऊर्जा की, लेकिन बात हम करते हैं विशिष्ट ऊर्जा की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विशिष्ट ऊर्जा को कैसे डिफाइन किया जाए, तो विशिष्ट ऊर्जा को कैसे डिफाइन किया जाता है, विशिष्ट ऊर्जा को इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं कि यदि जो एनर्जी है उसको हम चैनल, जो आपका चैनल है उसके बॉटम से नापें। मतलब अगर रेफरेंस आपका चैनल का तल हो जाता है तो उस तल को रेफरेंस मानते हुए जो एनर्जी आती है उसे ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी, उसे ही हम बोलते हैं विशिष्ट ऊर्जा। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो ऊर्जा होती है ये प्रति इकाई भार के बराबर की वैल्यूज़ में दी जाती है। तो विशिष्ट ऊर्जा वही ऊर्जा होती है कि अगर हम टोटल ऊर्जा को तल के सापेक्ष नापें तो उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊर्जा। तो यहाँ भी हम डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस किया जेड बराबर हमने माना था चैनल के तल की आधार से ऊंचाई, H हमने माना था प्रवाह में किसी सेक्शन पर गहराई, V प्रवाह का औसत वेग। तो किसी प्रवाह की विशिष्ट ऊर्जा वह कुल ऊर्जा है जिसे चैनल के तल के सापेक्ष नापा जाए। तो अगर चैनल के तल के सापेक्ष नापा जाए तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि जब सेक्शन जो आधार है वही आपका चैनल का बॉटम हो जाता है तो यहाँ पर Z की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो Z की वैल्यू जीरो रखते ही जो इक्वेशन आपकी ये बनी E=h+V2/2g, इसे ही हम बोलते हैं विशिष्ट ऊर्जा, इसे ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो किसी भी चैनल के केस में। दूसरी फिर बात आती है कि जो क्रिटिकल डेप्थ है उसको कैसे परिभाषित किया गया। क्रिटिकल डेप्थ मतलब क्रांतिक गहराई क्या होती है। तो क्रिटिकल डेप्थ को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि फ्लो के दौरान किसी भी एक ऐसे सेक्शन पर जहाँ पे ये जो विशिष्ट ऊर्जा है वो मिनिमम होगी, उस गहराई को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। और इसका जो फॉर्मूला है वो इसी कंडीशन से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम क्रिटिकल डेप्थ को परिभाषित करें तो प्रवाह के दौरान वह गहराई जिस पर विशिष्ट ऊर्जा का मान न्यूनतम हो क्रांतिक गहराई कहलाती है, इसे HC से व्यक्त किया जाता है। तो इसको हम फॉर्मूले में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज हम एक कंसीडर करते हैं, आपका कोई रेक्टेंगुलर चैनल है, एक आयताकार काट का चैनल जिसमें अपरिवर्ती मतलब स्टडी तथा असमान प्रवाह हो रहा है। और उस केस में हम मान लेते हैं क्यू चैनल से निस्सरण, बी चैनल की चौड़ाई, H प्रवाह की गहराई, Q प्रति चौड़ाई निस्सरण। मतलब Q एक हमने डिफाइन किया इस प्रकार से, क्योंकि ये Q/B एक तरह से हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका विड्थ जो है चैनल की वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। तो डिस्चार्ज अपॉन जो विड्थ है उसी को हम स्मॉल Q से डिफाइन करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें आगे प्रवाह वेग, वेग वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो Q एरिया आपका था B×H, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो विड्थ और उसकी जो डेप्थ होगी उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। और Q/V को हम डिफाइन किया था स्मॉल Q से, तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी आती है Q/H।
ये वैल्यूज़ रखने पर e की वैल्यूज़ में e बराबर आपका था h प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g और b बराबर हम जानते हैं q अपॉन h के बराबर होता है, तो ये e बराबर h प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g h स्क्वायर। हम h के टर्म्स में इसलिए लेके हैं क्योंकि जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो डेप्थ के सापेक्ष ही हम एक वेरिएबल में इसको लेके आ सकते हैं, क्योंकि क्रांतिक गहराई को जब हमने डिफाइन किया था तो वो क्रांतिक गहराई वो है जिस गहराई पर आपकी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो कभी भी मिनिमम और मैक्सिमाइजेशन की बात होती है तो हम हमेशा अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे भी कंडीशन निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का अवकलन करेंगे जो कि एच के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे क्यू भी कॉन्स्टेंट है और जी भी आपका कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रांतिक गहराई वह गहराई है जिस पर विशिष्ट ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। तो समीकरण दो का एच के सापेक्ष अवकलन शून्य के बराबर रखने पर, तो हमने ये अवकलन किया, अवकलन करने पर एच की वैल्यू 1 आई और 1 अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 अपॉन एच क्यू, वही एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इसी फॉर्मूले से ये माइनस 2 अपॉन एच क्यूब, बाकी ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से जब हम इसको और मॉडिफाई करेंगे तो फाइनली जो h कैलकुलेट होके आता है वो ये हो जाता है, जो क्रिटिकल डेप्थ है वो आपका हो जाता है q स्क्वायर अपॉन g की पावर 1/3 के बराबर। तो किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर आपको क्रांतिक गहराई निकालनी है तो q स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू निकालो और उसका 1/3 घात लेने पर हम उस गहराई को ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का चैनल हो, तो कंडीशन यही होती है कि जो स्पेसिफिक एनर्जी है उसको मिनिमाइजेशन करना होता है और अवकलन करने के बाद उसका मान 0 रखते हैं। इस प्रकार से हम क्रांतिक गहराई को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बात होती है क्रिटिकल फ्लो, कि क्रांतिक प्रवाह क्या होता है। तो क्रिटिकल फ्लो वही फ्लो है जहाँ पर विशिष्ट ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, उसे क्रांतिक प्रवाह कहलाया जाता है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, यहाँ से इसको हम बोलें एच सी क्यू स्क्वायर अपॉन जी, क्यू स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाता है जी एच सी का क्यू। Q को हम यहाँ से अगर रिप्लेस करें, क्योंकि Q हमने पहले दिया था Q अपॉन बी ए इंटू बी अपॉन बी, एरिया आपका B इंटू एच था, तो यहाँ से B से B कैंसिल, H इंटू बी हो जाता है और Q बराबर एच सी इंटू बी सी, क्योंकि हम कंडीशन क्रांतिक प्रवाह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे H भी क्रांतिक गहराई होगी और B भी क्रांतिक वेग होगा। तो Q बराबर एच सी इंटू बी सी का मान इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो यहाँ से कंडीशन मिलती है, तो ये कंडीशन आपकी ये कैलकुलेट होकर आ जाती है वी सी बराबर अंडर रूट जी एच सी। ये एक क्रांतिक प्रवाह की कंडीशन होती है, तो वेलोसिटी भी बोल सकते हैं कि जो क्रांतिक वेग है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, वी सी आपका क्रांतिक वेग कहलाता है। तो समीकरण दो से अगर हम बात करें तो ये वी सी अपॉन अंडर रूट जी एच सी की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और ये अगर हम बात करें एक नंबर को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर आपका होता है एफ आर होता है आपका वेलोसिटी अपॉन अंडर रूट जी इंटू में एच। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से यही फ्रॉड नंबर है और इस फ्रॉड नंबर की वैल्यू आपकी आती है 1 के बराबर, तो फ्रॉड नंबर 1। इसका मतलब अगर कभी भी क्रांतिक प्रवाह होता है तो उस कंडीशन में जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है। तो अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 है तो हम उसको क्रांतिक प्रवाह बोल सकते हैं, वाइस वर्सा तो क्रांतिक प्रवाह के लिए जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू है वो 1 होती है। इसी फ्रॉड नंबर के आधार पर दो प्रवाह और डिफाइन किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो बात करें अगर हम सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो मतलब होता है उपक्रांतिक प्रवाह। सब क्रिटिकल फ्लो का मतलब है यदि किसी चैनल में प्रवाह की गहराई क्रांतिक गहराई से अधिक हो तो प्रवाह उपक्रांतिक प्रवाह कहलाता है। गहराई अगर अधिक हो जाती है, यहाँ अगर हम बात करें गहराई अगर अधिक हो जाती है तो ये वैल्यू आपकी 1 से कम हो जाती है, और 1 से कम होते ही फ्रॉड नंबर 1 से कम होता है और फ्लो आपका सब क्रिटिकल डिफाइन हो जाता है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं इस प्रकार के प्रवाह के लिए फ्रॉड नंबर का मान 1 से कम होता है। तो जनरली सब क्रिटिकल फ्लो एक स्टेबल फ्लो होता है, स्थिर प्रवाह होता है, और इसके लिए जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। दूसरा अगर हम बात करें आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो आपका होता है यदि किसी चैनल में प्रवाह की गहराई क्रांतिक गहराई से कम हो, तो क्रांतिक गहराई नीचे अगर गहराई कम होती है वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो प्रवाह अधिक्रांतिक प्रवाह कहलाता है। इस प्रकार प्रवाह के लिए फ्रॉड नंबर का मान 1 से अधिक होता है। तो क्रांतिक प्रवाह, उपक्रांतिक प्रवाह और अधिक्रांतिक प्रवाह को हम फ्रॉड नंबर की सहायता से या क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगी या कम होगी उसकी सहायता से समझा सकते हैं। तो ये तो बात हुई प्रवाह की, कि जो क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल की बात होगी। एक और आपके इस चैप्टर में चीज़ डिस्कस होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ।
तो अगर हम बने हाइड्रोलिक डैप्स हाइड्रोलिक जंप सॉरी हाइड्रोलिक जंप की बात करें या हाइड्रोलिक कूद की बात करें, तो उसको पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से समझाएं। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। सपोज किसी भी प्रवाह के दौरान ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो जैसे ही यहाँ से ये फ्लो हुआ, यहाँ एक ऐसा सेक्शन मिला जहाँ पे जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम हो जाए। तो क्रिटिकल डेप्थ से कम होते ही फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल हो जाता है, अधिक्रांतिक प्रवाह हो जाता है, जो कि एक अनस्टेबल फ्लो होता है, अस्थिर प्रवाह होता है। तो हमेशा फ्लो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्टेबल कोशिश करने के लिए वो इस हाइट को बढ़ाएगा, क्योंकि हाइट को बढ़ाने से ही जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो एक सब क्रिटिकल फ्लो में परिवर्तित होगा, क्योंकि सब क्रिटिकल फ्लो आपका स्थिर प्रवाह होता है। तो ये बहुत कम लेंथ के ड्यूरेशन में ही अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेगा, तो लंबाई आपकी बढ़ेगी और एक एक्स्ट्रा सेक्शन आएगा जहाँ पे जो प्रवाह होता है वो सब क्रिटिकल प्रवाह होता है, यानी स्टेबल प्रवाह होता है। तो इसी सेक्शन एक से सेक्शन दो तक जो अचानक इसकी गहराई में वृद्धि होती है, इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। इसको हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक जंप है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रवाह के दौरान जब प्रवाह की गहराई क्रांतिक गहराई से कम हो जाती है, तब प्रवाह अधिक्रांतिक प्रवाह हो जाता है, जो कि एक अस्थिर प्रवाह होता है, तथा स्वयं को स्थिर करने के लिए यह उपक्रांतिक प्रवाह सब क्रिटिकल फ्लो में परिवर्तित होता है, जो कि एक स्थिर प्रवाह होता है। अतः प्रवाह की गहराई बढ़ जाती है, इस गहराई में अचानक वृद्धि को ही हाइड्रोलिक जंप कहा जाता है। तो मतलब अगर एक रीजन की बात करें तो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट कब होगा, जब एक अनस्टेबल फ्लो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, या जब एक फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे एक हाइड्रोलिक जंप एक उछाल आती है गहराई में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। डायग्राम से हमने इसको समझा था कि चित्रानुसार परीक्षा देख एक पर प्रवाह की गहराई क्रांति गहराई से कम होने की वजह से, यहाँ क्रांति गहराई से कम होने की वजह से यहाँ पर अधिक्रांतिक प्रवाह मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो उत्पन्न हो जाता है, जो परीक्षा दो दो की तरफ उपक्रांतिक प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल फ्लो में परिवर्तित हो जाता है। और परीक्षा एक एक से परीक्षा दो दो तक गहराई में वृद्धि, जो अचानक वृद्धि हुई गहराई में, उसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका विशिष्ट ऊर्जा है वो कैसे डिफाइन होती है, प्रवाह क्रांतिक प्रवाह उपक्रांतिक प्रवाह और अधिक्रांतिक प्रवाह कैसे प्रवाह होते हैं, और हाइड्रोलिक जंप को कैसे डिफाइन करते हैं।